कुछ कहना चाहोगे, जूनियर्स के लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे? जूनियर्स के लिए यही है कि जो भी मतलब यहाँ टीचर्स कराते हैं बस वो उसे ही करें, और उसी के जो टीचर्स गाइडलाइंस देते हैं वो वैसे ही उन्हें फॉलो करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है ये तरीका, और वो बस हार्ड वर्क करें कंसिस्टेंसी के साथ और फिर इंशाल्लाह वो सक्सेस पाएं। चलिए टीचर्स यहाँ बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों को, और मतलब वो एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ दे आर कोऑपरेटिंग विद अस, इट मीन्स एट एवरी मोमेंट ईच एंड एवरी स्टेप दे सपोर्टेड अस। जूनियर्स के लिए कोई सजेशन प्री क्लासेस को लेकर? प्री क्लासेस अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बग्गा सर और भी जो रे क्लासेस की पूरी फैमिली है पूरी बहुत कोऑपरेटिव है। थैंक यू। 12 कितने परसेंट आपके मार्क्स आए? 96.2%। हमारी सक्सेस के लिए रे क्लासेस का सहयोग है, और रे क्लासेस के जो टीचर हैं बग्गा सर, वहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी, मेरे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए हैं, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है और सपोर्ट रहता है। 24 आवर्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल पे कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहता है। टीचर्स हमेशा बच्चों को एकदम अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं, जो भी आए आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की पढ़ाई के अलावा भी तो आप उनसे बोल सकते हो। जो आपके जूनियर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहिए? जूनियर्स के लिए अगर आपको किसी बेटर टीचर की ज़रूरत है खासकर केमिस्ट्री में, तो आप बग्गा सर से कोचिंग अवश्य लें। I'm Utpanna, I'm in class 10th and I have scored 96.8%, 94%. Huh? Well, I'm from John Milton and I've been studying here, three classes. Coaching, three classes ko leke aapka kya matlab? Well, three classes and its teachers have been very helping for scoring great marks and for the bright future of every student. We must say that it's very good, and there's been a tremendous contribution of all the teachers and Bhagat sir here. And I would like to say that there are regular meetings, parents, teachers meetings, and weekly tests, which helps promote the confidence of the students, and they also help in the practice and revision of the students. So I must say that it's the best coaching in Firozabad where you can score great. Yeah, I would say that along with hard work, they must also be blessed by the God and their elders, parents, and teachers. And personally speaking, it's all by the grace of God. So I would suggest juniors that they are your hard work and not to consider the hours. They must consider the targets of their syllabus and they must study interestingly. I would say this. Baba ji. यहाँ मेरी नातनी है। किस तरीके का उनका रिजल्ट रहा है? नातनी का नाम उत्पन्ना सनीश गुप्ता है, और मैं तो जो वो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ही बोलूँगा। तो ये जो बग्गा सर की जो रे क्लासेज है, यहाँ बच्चों के ऊपर कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, और समय समय पे जब भी हम आए हैं तो बच्चे के बारे में रिजल्ट अच्छा ही मिला है। किस तरीके से यहाँ पे मतलब टीचर्स बच्चों के साथ? नहीं, टीचर पूरा सपोर्ट करते हैं। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपके, जब माता रानी ने जो है बग्गा सर की जब क्लास चुनी है, तो इसका समझ लीजिएगा, मैं समझता हूँ कि शहर में सबसे अच्छा ही है। अन्य अभिभावकों के लिए कोई सजेशन अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए? नहीं, मैं तो सिर्फ देखो एक आध्यात्मिक उसकी तरह जो बोलूँगा आपसे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत तो एक जो घंटाघर पर जो एक कारीगर होता है वो इतनी मेहनत करता है कि हम एक मंजिल तक 4 ईंटें जो ले जा नहीं सकते, ठीक है, और लास्ट में उसको आके कितने पैसे मिलते हैं? सिर्फ 300 रुपये। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आपकी ये क्लासेस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आप पूरे स्टाफ का, बग्गा सर का भी है। बाकी जब बच्चे पढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, कभी कभी ये भी देखते हैं बच्चे कहते हैं कि हमने पापा मेहनत बहुत की मगर रिजल्ट हमारा बहुत कम आया। ऐसा क्यों? जब हम बच्चे को, माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा जब आप किताब खोलें तो उसको समय भगवान की जय बोलो, यही सब कुछ है, इन्हीं से आप आगे बढ़ोगे। इनकी जो दादी हैं सनीश्री माता,
जब भी हम कहते हैं, जैसे रात को हम जो है दुकान से घर पहुंचते हैं 11:30 बजे, हम कहते हैं बच्चा पढ़ो, तो उनकी दादी बोलती है जो सनुश्री माता हैं, वो कहती है कि नहीं नहीं बेटी, आप सिर्फ भगवान का ध्यान करो, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान का ध्यान करो। जो उनकी बुआ जी हैं, उनके उन्होंने भी मतलब जगह जगह पे इतनी रास्ता आगे इतनी अच्छी जगह ही है, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। 10th क्लास की थी, अब 11th। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए? 92.4। एक क्लास की टीचर्स वगैरह में, कॉलेज की टीचर्स में किस तरह के साथ? यहाँ पर एक तो फैकल्टीज सारी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा होपलेस हो रहा है, जैसे बीच में मेरे साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। बग्गा सर ने, बड़े सर छोटे सर दोनों ने ही बहुत सपोर्ट किया था। और फिर साथ, मतलब ये है कि साथ टीचर्स साथ साथ मेहनत करते हैं बच्चों के, और यहाँ पर साथ साथ बार रिवीजन होता है। 10th क्लास में हमारा 7 बार कोर्स सिलेबस रिवाइज हुआ, उसका ये रिजल्ट है कि सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पास आउट हुए यहाँ से। और आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा रे क्लास में आता है तो उसका फ्यूचर सिक्योर है, अगर वो मेहनत करेगा टीचर्स के साथ सपोर्टिव। और मैं अपने सारे टीचर्स को और बग्गा सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से ही मतलब एक सपना दिखाया कि बेटा आप कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ कि ये अच्छी कर सकती है, ये चीज़ उन्होंने शुरू से ही वो बोलते हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई, इंस्पिरेशन मिली। बाय द वे मेरा गोल 95 का था, बट अमित नाम है मेरा। जी क्लास 12। कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए? 94। रे क्लासेस को लेकर यहाँ से कॉलेज के लिए किस तरह का? मैं रे क्लासेस के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि रे क्लासेस इज नॉट द बेस्ट बट द ओनली वन फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आकर एडमिशन करा देना है, नो मैटर्स आप कितने पीछे थे 10th में, कहाँ थे। ये टीचर्स, रे क्लासेस की पूरी फैकल्टी आपको फुल गाइडेंस देगी, जैसे कि अपने बच्चों को देते हैं वैसे देगी। बग्गा सर के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। बग्गा सर कभी भी ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, जैसे मैं बड़े बग्गा सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, उन्होंने हमेशा क्लास के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ 45 मिनट 15 मिनट हर 3 दिन बाद वो रोकते थे, और सिर्फ इसलिए कि काउंसलिंग करें जो बच्चा उन्हें दिख रहा है बाइक पर घूमते हुए, क्लास 12 को अपनी बर्बाद करते हुए, उसे उन्होंने गाइड किया, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को सुधार सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, और आपकी फैमिली की आपसे कितनी मतलब जुड़ी हुई है आपकी, मतलब आपके भरोसे वो सब लोग जी रहे हैं और आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि रे क्लासेस में टीचर्स नहीं मिलते, पेरेंट्स मिलते हैं बस। जूनियर्स के लिए मेरा यही सजेशन है, हाँ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि बेस्ट आपको रे क्लासेस ज्वाइन करनी है, टीचर्स की बात माननी है और कुछ नहीं करना, अपने मन से ये चाहो तुम 24 घंटे पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, बी प्रैक्टिकल, बस पढ़ना है, क्वालिटी टाइम देखना है, क्वांटिटी टाइम नहीं देखना कि कितनी क्वांटिटी टाइम देते हो आप, क्वालिटी टाइम दो, दो पन्ना पढ़ो, रात में नहीं पढ़ना, दो पन्ना पढ़ो लेकिन वो याद हो जाए, नाइट में रिविज़न करो, 12 बजे से पहले आप जिस चीज़ को रिवाइज कर लोगे उस चीज़ को आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। बहुत आभारी हूँ बग्गा सर की, खास करके इशरा लाइफ में बहुत है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, किसी और स्कूल में अगर मेरी बेटी होती तो शायद आज मैं ये सम्मान नहीं पाती जो उसने मुझे दिलाया है। लोग कहते हैं बेटे नाम करते हैं, लेकिन मेरी बेटी मेरे बेटों से कम नहीं है। और बग्गा सर ने मुझे हमेशा ये कहा, मैं कहती थी सर मैं कोचिंग दिला दूँ, बग्गा सर कहते थे नहीं ये हमारे लिए बहुत गलत बात होगी कि आप हमारा बिलीव करके यहाँ पे आए हो और बच्चे को कोचिंग में पैसा वेस्ट करोगे, नहीं। तो मेरी बेटी को लाना तो 97-98 था, लेकिन आज जो भी वो लाई है मैं बहुत खुश हूँ, बग्गा सर की फुल मेहनत है। और कहना चाहूँगी मेरी फ्रेंड कहूँ या बच्ची की दादी बोलूँ उनको, और आज वो नहीं है यहाँ पे, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कहीं ना कहीं हर बच्चे के, हर बेटी के
अच्छे नंबर जो आए हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें समझाते हैं, लेकिन दादी का एक रोल होता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कैसे बैठे हैं, बच्चों तुमने क्या किया, क्या खाया। इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। किसी और स्कूल पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, शायद किसी भी सिटी के बड़े स्कूल में मैं डाल सकती थी एडीपाई में, मैंने बच्चे को डाला जी, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी बग्गा सर ने अपना फुल 100% दिया। क्लासेस में आज 10th और 12th में जो बच्चे मेघावी बच्चे थे उनका आज सम्मान किया गया। मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि 90% वाले बच्चों की तो लाइन लग गई थी रिजल्ट में, और उसमें अपने यहाँ से 33 से ज़्यादा बच्चों ने 90% से ज़्यादा स्कोर अर्जित किया है। ये बहुत बड़ी बात है, 1, 2, 3, 4 नहीं कह रहा हूँ मैं, 33 से ज़्यादा बच्चों का कह रहा हूँ मैं आपको। इसमें हमारे यहाँ की बिटिया हैं समरा, 97.2% लाई हैं, और हमारे यहाँ की एक उत्पन्ना शिवहरे नाम से बच्ची है जिनका शिवहरे गारमेंट नाम से प्रतिष्ठान है, उनके नंबर हैं 96.4% नंबर हैं उनके। इसी तरीके से विशु राजपूत हैं, ये 12th का बच्चा है, इसके 96.2% हैं। इसी प्रकार से बच्चों में जो दीपिका नाम से बच्ची है 94.4 है, आयुष हैं 95.6 हैं, आयुष पाठक हैं 92.6 है। इस तरीके से 90% से ऊपर वाले बच्चों की एक लंबी फहरिस्त है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो बच्चों को, उनकी मेहनत को, भगवान को और पेरेंट्स को जाता है। हम लोग तो खैर अपनी मेहनत करते ही हैं, अध्यापक का काम ही है बच्चे का भाग्य बनाना, हम लोगों ने खूब मेहनत करी है। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि अब आपको कोटा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि रे क्लासेस में कोटा जैसी समस्त सुविधाएँ, कोटा की ही पाठ्य सामग्री, कोटा जैसे ही बीटेक, एमटेक और पीएचडी होल्डर टीचर्स की टीम है। अब रे क्लासेस ही पूरी कोटा बन गई है, आप बच्चे को कोटा कोरोना काल में ना भेजें, रे क्लासेस भेजें, कोटा से बेस्ट रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलेंगे, और कोटा से बहुत बहुत कम फीस पर। रे क्लासेस में एसी क्लासरूम है, बहुत अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी टीचर्स की टीम है, और सारी किताबें हम कोटा की ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने कोर्स को बच्चे को 6 बार रिवाइज कराते हैं, 6-6 बार रिवीजन, हर महीने टेस्ट के साथ साथ CTM होती है जिसमें बच्चे का पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि अब बच्चा कहाँ चल रहा है। रे क्लासेस मतलब सफलता की गारंटी। आज रे क्लासेस फिरोजाबाद का नंबर 1 ब्रांड बन के उभरा है। इसके पीछे वजह है बच्चों की अथाह मेहनत, बच्चे पूरा दिन रात मेहनत करते हैं और टॉपर बनते हैं, और रे क्लासेस का सम्मान बढ़ाते हैं, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाते हैं। 90% ऊपर कितने बच्चे, 33 से ज़्यादा बच्चों का नंबर 90% से ऊपर है, और ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितनी अच्छी सुविधाएं रे क्लासेस में पढ़ाई संबंधी, उतनी और कहीं संभव नहीं है, और हर बच्चे के साथ टीचर जुड़ के काम करता है, बिल्कुल ऐसा काम करता है कि उसे परिवार वाला माहौल लगेगा और उसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और ये जो लड़कियों को ट्यूशन के लिए अलग अलग भागना पड़ता है, ये सब काम खत्म है। रे क्लासेस में आपको सभी चीज़ की पढ़ाई, ट्यूशन सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रही है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई, ट्यूशन, स्कूलिंग सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है। तो इसलिए आप एक ही जगह आएँ और अपनी पढ़ाई करें। हम यहाँ पर 11th-12th में बोर्ड के साथ साथ IIT, मेडिकल, NDA आदि की तैयारी भी कराते हैं, और हमारा उद्देश्य है बोर्ड में 90% से ज़्यादा नंबर लाना और बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या सेना में भेजना, वो भी 12th के साथ।